सो गैस अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग करने वाले हैं चेकआउट और निकल रहे हैं भाई अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। तो एक्चुअली मैं आया था एग्ज़ाम ही देने, तो बस भाई यार निकलना है यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। अब अपने पास टाइम 8 बजे पहुँचना है, 9:30 बजे तक एंट्री रहेगी। तो मैं सोच रहा हूँ भाई निकला जाए यहाँ से जितनी जल्दी चेकआउट करेंगे ना उतनी जल्दी बनारस के ट्रैफिक से हम बच जाएंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी चलते भाई, और हो सकता है कि इस व्लॉग में हम घर भी निकल जाएं। ठीक है, तो बस नीचे जाता हूँ और यहाँ से गाड़ी निकालते हैं। तो गाइस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और भाई भी आ जाए। सो भाई सीधे सेंटर चलना है और फ्यूल फ्यूल अप करा के फिर सीधे सेंटर निकल लेंगे। ठीक, आ जाओ। हो गया ना सब? आ बैठो, लगा लो यहाँ से वो मैप फटाक से निकलने के लिए। भाई साहब निकलते हैं। चल भाई, ऐसी जगह हम लोगों को रूम मिला है ना, लेकिन सही था, रूम वूम सब सही था प्राइस के अकॉर्डिंग, और यहाँ से घाट वाट बहुत नज़दीक थे तो घाट भी घूम लिया। अब यहाँ से आधा घंटा लगेगा अपने को बनारस की गलियाँ, यहाँ से सिर्फ आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर रोड अपने। हाँ, जय बजरंगबली। फ्यूल अप करा लें और उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। हालांकि हम पूरा घूम लिए हैं इधर से, लेकिन अब खुद बस चल के फ्यूल अप कराना बाकी रहता है। हाँ, सुबह सुबह बनारस में भैया ठंड हल्की हल्की सी है। चलो भाई गलियों से बाहर निकलते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। भैया सुबह सुबह बनारस में इतना भीड़ हो सकती है, हमें पता नहीं था भाई। काशी विश्वविद्यालय, गाइज हम लोग आ चुके हैं मेन वाले हाईवे पे जो हमें लेके जाएगा वहाँ तक। अब इसमें हमको ढूंढना है पेट्रोल पंप। ठीक है, पेट्रोल पंप हमें मिल जाए, काम हमारा बन जाए। सो गाइज हम लोग इस समय है मिर्ज़ापुर वाले रोड पे, लेकिन भाई दिक्कत पता क्या है, अभी पेट्रोल नहीं डलवा पाए हैं। पेट्रोल डलवाना, रेंज दिखा रहा है 0 और रोड ऐसी मिल गई हमको, भैया ये आते समय हालत ख़राब कर देगी। अरे भैया पेट्रोल पंप मिल गया, पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप मिल गया भैया, बहुत ज़रूरी है दादा, बहुत ज़रूरी है। फुल नहीं कराऊंगा, दो दो सौ सौ का डलवा देते हैं, 200 का भैया, 200 का डाल दो। भैया पेट्रोल की बहुत ज़रूरत पड़ गई यार, दिखा रही है अब स्टॉक बोर्ड। अच्छा भाई यार निकला जाए, अब 91 की रेंज दिखा रही गाइस, वो तो एवरेज देख सकते हो क्या सही दे रही है। भैया इतना जाम लगा है, सेंटर भाई हमारा है अंदर, ठीक है, और जाम इतना तगड़ा लगा है क्या ही मैं बताऊं। और यहाँ देख सकते हो भाई लोग आके दे रहे हैं पेपर। भैया यार सब सही है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है अपना। ठीक है, अब यहाँ से निकलना है सीधे लखनऊ। तो मैं सेंटर दिखाता हूँ भाई साहब, ये सेंटर था। ये सेंटर था भाई, देख रहे हो,
और तगड़ी भीड़ थी भाई, तगड़ी भीड़ थी। अभी तो कुछ नहीं है, पूरा जाम लगा हुआ था। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, अब सीधे घर निकलने का मूड हो रहा है, ठीक है। और घर जाते जाते भाई आराम से 5 बज जाएंगे अगर अभी हम निकलते हैं तो। अभी पहले हमको बनारस का ट्रैफिक, पहले बनारस के ट्रैफिक से निकलना पड़ेगा, फिर घर निकलना पड़ेगा, है ना। तो टाइम काफ़ी होने वाला, लगने वाला है। तो आराम से 6 बजे तक पहुंचा जाएगा, पहले चल के रिफ्यूल कराया जाए। और यहाँ देख रहे हो थोड़ी दूर पे, यहाँ पे भी पेपर चल रहा था और यहाँ पे भी सेकंड शिफ्ट आ चुकी है यार। तो आप देख सकते हो भाई भीड़ यार है, भीड़ तगड़ी लगी हुई है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया। क्या हो गया भाई, कुछ ज्यादा ही उसमें भाई ये क्या क्या बोल रहा था, सुना तूने? वो पीछे उसकी भाभी है, कह रही है चलो यार, समझ ही नहीं रहा बेचारा। भाई साहब जाम का लेवल देखो, वहां से जाम हटा, यहाँ लगा पड़ा पूरा का पूरा जाम, ठीक है। और यहाँ चेक करना पड़ेगा अपने को कि करना क्या है, जाना किधर है। ये ले भैया इतने मोड़ ली, अब और तगड़ा लगेगा। भैया ऐसी जाम रहता है क्या, पहली बार आए हो? तुम भी हमारे जैसे ही भोगी हो लग रहा है। भैया ट्रैफिक से निकल के फिर बात करते हैं। फाइनली उस जाम से बाहर निकले और बनारस में एंटर करके हम लोग, भैया यार इतना भयंकर जाम, इतना भयंकर जाम, हम कहाँ ही बताएं तुम लोगों को। सही बता रहे भाई, इतना भयंकर जाम नहीं देखा था, मतलब कभी फेस ही नहीं किया भाई। दबा के इससे अधिक ट्रैफिक कहीं मिलेगा नहीं आपको। भैया बनारस ही है, मैं भूल ही गया था, कल हमने यहाँ से राइट ले लिया था, ठीक है, हमें ना पता था। और आज जब हम पेपर दे के आ रहे हैं ना, हमें ये नहीं मालूम था कि कल कुछ है यहाँ पे, कुछ होगा भाई, हम इतना ध्यान नहीं दिए होंगे। तो कल खाली थी रोड है, कल भाई सब लोग पता नहीं, वो शायद सरस्वती जी की मूर्ति विसर्जन कर रहे थे, तो हमको लगा यार ठीक है बनारस ऐसे ही रहता होगा खाली सुल्तान। हमें क्या पता था भैया कि अगले दिन देखो संडे के दिन क्या मिलता है तुम्हें, मज़ा। सो गाइस फाइनली हम लोग थोड़ा बनारस से बाहर निकले हैं अपना ट्रैफिक से बचते बचते, लेकिन अब भाई भूख लगी है, ठीक है भाई। ट्रैफिक में यार खाने का इच्छा नहीं करती पता है। ट्रैफिक में भाई बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं करती, लेकिन अब क्या ही कर सकते भाई, अब हम क्या ही बता सकते आप लोगों को। अब बस यार पानी लेना है और थोड़ा बहुत खाएंगे, देखते हैं आगे कहीं कुछ मिल जाता है खाने के लिए, ढाबा डूबा टाइप का, तो भाई खा लेंगे और उसके बाद भाई इसमें करा देंगे रिफ्यूल और फिर यहाँ से निकल लेंगे। नहीं तो फिर हम सोच रहे हैं कि यहाँ से नाश्ता कर लेते हैं और फिर आगे सुल्तानपुर के पास भाई एक अच्छा ढाबा देख के वहीं खा लिया जाएगा। भाई साहब पहले फ्यूल अप करा लेते हैं। भैया भी डलवा लेते हैं फ्यूल। सो गाइस फ्यूल अब हमने करा लिया है, अब अंकित को लगी है भूख और मुझे भी लगी है बहुत तेज। अब भाई देखा जाए यार कुछ खाने को मिल जाए। सुबह से 34 किलोमीटर भाई गाड़ी चला चुका हूं मैं, अब जाके हाईवे रनिंग शुरू हो रही है। सिटी में यार बहुत गंदा तेल पीती है, सिटी में 26 का एवरेज दे रही थी नॉर्मल फ्यूल पे, सोचिए। सो गाइस हम लोगों ने थोड़ा बहुत खा पी लिया है, अब यहाँ से निकल लें, बाकी का आगे का देखेंगे। तो बस भाई हम निकल गए हैं बनारस से, अब इसको क्रॉस करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं सीधे हाईवे पे, ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोग बनारस से बाहर निकल रहे हैं। ये जो स्तंभ आप देख रहे हो ना इधर और इधर, ये दोनों भाई बनारस का एग्जिट और एंट्रेंस
है एक तरीके से, ठीक है। तो हम लोग बनारस को अब कहते हैं अलविदा। बस फाइनली हम लोग वाराणसी से बाहर आ चुके हैं और ये क्या कह रहा भाई, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। हम भाई पीते ही नहीं तो ड्राइव कहाँ से करेंगे। जौनपुर है यहाँ से 40 किलोमीटर, देख रहे, मात्र 40 किलोमीटर भाई साहब जौनपुर मात्र। वो भाई वो मतलब नज़दीकी जो वहाँ का वो होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर, उससे कनेक्ट करने की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये ना कहना कि भैया हम तो जाते हैं, इतना पड़ता है, ये पड़ता है, वो पड़ता है। सो गाइस, इस समय हम लोग ना जौनपुर को बाईपास करते हुए निकल रहे हैं जौनपुर से, ठीक है, और सीधे हम पहुँचेंगे भाई साहब सुल्तानपुर, और देखते हैं कितना समय लगता है। देखो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे ना तो रूट्स बहुत ख़राब मिलने वाले हैं, तो अपनी स्पीड भाई 70 ही रख लेंगे और धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि रूट्स बहुत ख़राब हैं आगे। ख़राब का मतलब यार बम्पिंग है, तो वो सब चीज़ें नहीं सही है ना, बम्पिंग वम्पिंग में भाई अपने को नुकसान होगा तेज़ चलेंगे तो। और वैसे भी आराम से 10 बजे तक घर पहुँचना है, आराम से चलेंगे भाई, कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए गाइस, आते समय ये नदी हमसे मिस हो गई थी, तो ये देखिए ये है नदी यहाँ पर जो कि सूखी हुई है। अब ये नहीं पता कौन सी नदी है, क्योंकि भाई गूगल मैप होता तो मैं पता कर लेता, मैं बिना गूगल मैप के भी चल लेता हूँ ना कहीं पे भी। देख रहे हैं ये नदी है गाइस, और इस पे बम्पिंग देखो, इस ब्रिज पे देखो देखो देखो, मतलब इतना थर्ड क्वालिटी का ब्रिज बना है, इतना थर्ड क्वालिटी का क्या ही बताऊँ मैं। ये देख रहे हो, ये अंकल जी पैदल ही चल रहे हैं भाई, बाबा हैं ये, अंकल नहीं है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं टोल प्लाजा पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जौनपुर 11 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं हम जौनपुर की सीमा रेखा में चले जाएंगे। तो हम लोगों ने भाई 82 किलोमीटर अभी तक कवर कर लिए हैं, तो अच्छा चल रहा है अपना, ठीक है। ऑलमोस्ट 250 पे निकले थे हम लोग, 3 मान लो भाई, बनारस से निकलते निकलते 3 बज गया था, नहीं यार 2 बज गया था बनारस से निकलते निकलते। अरे हटाओ गाइस, आप खाली इस पे कॉन्सनट्रेट करो, टाइमिंग वाइमिंग गई भाड़ में भाई। बनारस हम निकले और यहाँ पहुँच गए, 82 किलोमीटर्स हो गए हैं, और ये रहा भाई टोल प्लाजा। अब इसके आगे से भाई रोड्स बहुत ख़राब मिलने वाली है, मूड ख़राब हो जाता है बताए। और उसके बाद फिर सुल्तानपुर से अच्छी रोड मिलनी शुरू हो जाती है। बस इसके बाद से ही रोड ऐसी की तैसी मिलेगी, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के। फाइनली ये टोल प्लाजा हम क्रॉस कर रहे हैं, देखिए बस यही जौनपुर वाला कट है, यहाँ से आप जौनपुर के अंदर जा सकते हो, आगे अभी आएगा, बस यही दिखा रहा था, ठीक है। मतलब हम एक तरीके से जौनपुर को बाईपास कर रहे हैं, ठीक है, जितना ये 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर दिखा रहा है उस जगह से दिखा रहा है जौनपुर इतने किलोमीटर का है। अब ऐसे अंदर जाएंगे तो जौनपुर निकल जाएंगे आप, तो ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। बोर्ड देखा, देखो यहाँ देखो सुल्तानपुर 79 किलोमीटर है, लेकिन भाई अपना लखनऊ 211 किलोमीटर है अभी, 211 किलोमीटर, आप सोच नहीं सकते हो 211 किलोमीटर लखनऊ, अभी हमको 211 किलोमीटर जाना है गाइस, भाई हालत खराब हो जाएगी। अब सुल्तानपुर पहुँचा जाए भाई, फिर उसके बाद कुछ खाया जाए, थोड़ा सा अगर देखेंगे भाई लेटने उठने वाला अगर होटल रहेगा तो उस पर लेट जाएंगे, खाट वाट अगर होगी, जैसे बुढ़ापे में नहीं होती। सो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 और सूरज दादा भी डाउन जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, और हो सकता है घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाए, क्योंकि भाई यहीं पर 5 बज जाएंगे सुल्तानपुर क्रॉस करते करते, तो जाहिर सी बात है 6-7-2 घंटा तो आराम से लगेगा
सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए, और रात में भाई हम इतना फास्ट नहीं चलेंगे, मतलब 90 की स्पीड पे नहीं चलेंगे। और ये रोड भाई, इस रोड की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। सुल्तानपुर पहुँचे मतलब 5 बजे से पहले पहले सुल्तानपुर पहुँच जाए भाई, ठीक है, क्योंकि बीच में वो सिंगल रोड पड़ती है, वहाँ थोड़ा रिस्क है, अगर डाइवर्जन नहीं रहा कहीं पर तो हम निकल जाएंगे सीधे, अगर डाइवर्जन रहा गाइस तो हम काफ़ी फंस सकते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ तक भाई मैं उजाले उजाले तो भाई ये जो टोल प्लाजा है ये ऑलमोस्ट आया है भाई 50 किलोमीटर या ऐसे कुछ समथिंग पे पड़ता है, हर 50 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा डालती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका पड़ेगा भाई मेरे ख्याल से सुल्तानपुर में, ठीक है। और इधर उधर का नज़ारे देखिए आप लोग, बस यहाँ फ़ायदा ये अपने को ये मिल रहा है ना कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है भाई साहब, टोल हमें देना नहीं है। जैसे हम एक्सप्रेसवे पे जाते हैं टोल देते हैं, तो यहाँ टोल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे चुटकू से रास्ते से हम निकल लेते हैं, है ना। सो गाइस फाइनली वो वाला टर्न आ गया है जहाँ से हमको टेक डाइवर्जन लेना है। तो इधर से लेने के बाद ना अपने को सुल्तानपुर 13 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो मेन बात यह है कि आगे भाई शायद कुछ काम वाम चल रहा है इस वजह से, तो अपने को इधर से जाना पड़ेगा। आते समय भी यही वाला डाइवर्जन, मैं इसी चीज़ का मेरे को टेंशन था, लेकिन फिर भी सही टाइम पर हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं, निपट जाएंगे भाई 5 बजे से पहले पहले अगर निकल गए ना तो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, फिर कोई टेंशन नहीं। क्योंकि देखो इस पर मेन बात है सिंगल है और वो स्पीड नहीं मेंटेन हो पाएगी, दूसरी बात ऐसे ओवरटेक करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ भैया ये जितनी जल्दी ये वाला इंटरसेक्शन ख़त्म हो उतना अपना फ़ायदा होगा। और मिरर खोलने की वजह से ना थोड़ा सा कटिंग में दिक्कत होती भाई, मिरर खोलने की वजह से ही होती है, बाकी तो कोई दिक्कत ही ना है अपने को। अब इधर जाना था, तो भाई यही इंटरसेक्शन का एक मेरे को डर था, वो अब होप हम लोग बहुत जल्दी निपटा रहे हैं उसको। और ये बच्ची देखो कैसे देख रही है उसमें से, ये रोड बल्कि उससे ज्यादा अच्छा है भाई, बहुत स्मूथ रोड है ये वाला। ओ भैया तुम लोग भी हो यहाँ पे भाई, इनसे बच के। तो जाते समय भाई इस पर थोड़ा ट्रैफिक मिला था, लेकिन आते समय इतना कोई खास ट्रैफिक नहीं है इसके ऊपर। भाई ट्रैफिक लगा हुआ है, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। लेकिन निंजा टेक्निक स्क्वाड के पीछे लगा लो और उनको पहले निकलने देते हैं फिर दूसरों को, तो अपन पहले निकल जाएंगे। क्या दिमाग लगाया मैंने भाई, देख रहे हो इस गाड़ी को साइड करके निकाला, उस गाड़ी को सोचो आप लोग, ये होता जलवा, देख रहे हो सही है, हम तो डिस्टेंस मेंटेन करके ही चल रहे हैं। आहा भैया निकालो, सही दिमाग लगा के निकाली भाई गाड़ी, स्क्वाड के पीछे लगा लिया है तो भाई, नहीं तो भैया बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। चलिए 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 सर, चलिए चलिए, बस आप ही लोग सहारा है हमारा। देख रहे हो पुलिस वाला जो है उसी ने खुलवाया है,
अब कीप डिस्टेंस पर रहेंगे, वो निकलेगा, हम यहाँ से निकलेंगे। ऐसा ही भाई पावर चाहिए अपने को, ऐसी वाली। आप लोग सपोर्ट करो, ले लेंगे बहुत जल्दी। जितनी जल्दी सपोर्ट उतनी जल्दी पावर हाथ में। जस्ट जोकिंग गाइस। हमको लगा यार हम इसको क्लियर कर चुके हैं, लेकिन ये अभी बाकी है भैया। तो गाइस फाइनली हम लोग जाम से बाहर आ गए हैं, ये पुलिस स्क्वाड के बदौलत। नहीं तो भैया नहीं आ पाते भाई, इतना तो कंफर्म था। अब इनके साथ साथ रहेंगे ना तो भाई बहुत फ़ायदा रहेगा अपने को। मेन बात है ये हूटर बजाते हुए जाएंगे ये लोग, तो कोई आएगा नहीं रोड पे, तो हम लोग बहुत जल्दी इस रोड को कवर भी कर लेंगे, है ना। देख रहे हो इतना हूटर बज रहा है ना यहाँ पे, ये होती है पावर भाई। ये इनोवा वाला पक्का रेला जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, अधिकारी आगे गए। हम लोग आ चुके हैं फिर से सुल्तानपुर एक्सप्रेस, वो वाराणसी हाईवे पे। मेन बात ये भाई बीच में कुछ काम वाम चल रहा होगा, इसकी वजह से ऐसा हो रखा था। अब चलते हैं, खींचते हैं भाई, सुल्तानपुर एंटर करने वाले हम लोग। तो ये चीज बढ़िया है भाई, फाइनली हम लोग सुल्तानपुर आ चुके हैं। और यहाँ से जब जाएंगे ना तो आप रायबरेली जाएंगे, जैसे मैं आते हुए भी मैंने आपको बताया था। तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलेंगे हम लोग भाई, ये गाड़ियाँ रायबरेली जा रही हैं, बस यहीं तक सफ़र था हमारा इनके साथ। भाई ये देखो, इन्होंने बहुत सही ट्रैफिक से निकाला था हमको, हमको जाना है स्ट्रेट, ठीक है। तो निकलते हैं भाई साहब, लखनऊ यहाँ से 132 किलोमीटर है। और आगे भाई कहीं पे एक ढाबे पे बैठ के मस्त खाया जाएगा, ठीक है, और निकला जाएगा फिर वापस। आराम से पहुंच जाएंगे भाई, बहुत इजी, आराम से। और इस पे भाई इस समय शाम हो चुकी है ना, तो थोड़ा सा स्लो ही चलेंगे, तेज़ नहीं चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि स्लो चलने की। ओके गाइस चलते हैं, देखते हैं कोई ढाबा मेरे को सही लगता है तो वहाँ रुकता हूँ, ठीक है। वही सब अभी यहाँ करेंगे, थोड़ा खाते पीते हैं, देखते हैं क्या है सीन, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। 193 चले आओ। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया है, खाना खा लिया भाई, और सुबह से अभी जाके भोजन मिला है भाई साहब। तो सब निकलते हैं यहाँ से, लखनऊ मुश्किल से 2 घंटा लगेगा, सुल्तानपुर के पास है इस समय हम लोग। 2 घंटा मुश्किल से, मुश्किल ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटा, बस इससे अधिक नहीं लगेगा। बस निकलते हैं भाई, टाइम नहीं वेस्ट करते। और सबसे बेस्ट चीज़ हुई है भाई के साथ, भाई बेचारा परेशान हो गया था भाई, एकदम भूख से परेशान था लौंडा। अब देखो मुंह फेर के कहाँ घूम रहा है। चले हाँ चले चले, गाली देगा मेरे को, जल्दी चलते भाई। तो भाई साहब निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब यार क्या बताएं, इट वॉज टू मच टाइम। और खाना वाना हो गया अपना, 187 की रेंज दिखा रही है यहाँ से। अरे तेरी रेंज गिर गया, यहाँ से ऑलमोस्ट है 120 किलोमीटर, तो सही है, पहुँच जाएंगे, है ना। 300 किलोमीटर भी चल जाए, वैसे 300 चल जाती है भाई, ये इसकी वो दिक्कत ना है, 300 तो आराम से चल जाते हैं भाई साहब। बस यहाँ से लखनऊ ऑलमोस्ट 130 समथिंग है, 200 किलोमीटर हमने कवर कर लिए, ठीक है। 100 किलोमीटर रहता है, मतलब 100 किलोमीटर ही रहता है यहाँ से, 200 किलोमीटर कवर कर लिए हम लोगों ने, और क्या चाहिए भाई। और यहाँ से निकल रहे हैं फॉर लखनऊ, और भाई साहब सही बता रहा हूँ, मज़ा सा आ गया भाई। और मैंने अंदर जैकेट के अंदर भी एक जैकेट पहन ली है ताकि ठंड ना लगे, भाई पीछे बैठ गया आराम से। बस भैया यहाँ से बहुत स्लोली स्लोली चलना है, बहुत स्लोली स्लोली, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, तो हम नहीं चाहते कि भाई ऐसा कुछ हो जिससे हमें दिक्कत हो। और भाई मेन बात यह है कि मुझे दिखेगा नहीं, अंधेरा हो गया है ना तो दिखेगा नहीं, तो यही अब से मतलब 5:56 हो रहा है, मतलब 6 बज रहा है ऑलमोस्ट
तो अब 6 बजे 7-8 बजे तक हम लखनऊ में होंगे। तो हमने सोचा यार खाना खा ही लेते हैं, 130 किलोमीटर है लखनऊ यहाँ से। मतलब तो भाई साहब अंधेरा हो चुका है तो थोड़ा स्लोली स्लोली ही चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि भाई देखो यार अंधेरा है, अब ट्रक वाले एकदम तेजी में चलेंगे, समझ रहे हो। तो हम सोच रहे भाई हम भी थोड़ा तेजी में निकल रहे हैं यहाँ से, ज़्यादा जल्दी यहाँ ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें। खड़े का मतलब कहने का मतलब कि जितना अच्छे से निकल जाए हम लोग, समझा करो मेरी भावनाओं को, समझो शब्दों पर ना जाओ, ठीक है। तो बस हमने इस टोल को क्रॉस कर लिया है गाइज, और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। खाना हमने खा लिया है तो अब खाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्क्वायर शाह ढाबा ये भी अच्छा है यार, लेकिन अब भाई बाहर का लुक देख के ना ऐसा डर लगता है बिल कहीं ज़्यादा ना आ जाए। तो भाई लोग आ गए हम लोग BHL, जगदीशपुर में ही पड़ता है भाई BHL, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई ट्रेन की पटरियाँ हैं, ये एक लौता हाईवे है जिसपे ट्रेन की पटरियाँ हैं मेरे को मेरे नज़र में, ठीक है। ये BHL है मेरे भाई लोग, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो आप जो राइट साइड देख रहे हो मेरे, ये BHL है, ठीक है। यहाँ लिखा होगा देख रहे हो, बस भाई जगदीशपुर जैसे क्रॉस करेंगे ना तब अपनी दूरी थोड़ी सी रह जाएगी, लेकिन फिर भी भाई अच्छी खासी दूरी रहती है उसके बाद भी। अभी मेरे को लेना पड़ेगा एक सुसु ब्रेक क्योंकि बहुत तेज आई है गाइस, बहुत तेज। भाई साहब फाइनली हम लोग हैदरगढ़ आ चुके हैं, यहाँ से लखनऊ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, इससे ज़्यादा तो नहीं है, 50 किलोमीटर है बस गिन के, ठीक है। खुल गवा है, और ये नई वाली स्कॉर्पियो यार जिन जिन्होंने लिए ना, सही बता रहा हूँ खूब मजा काट रहे हैं लोग, मतलब इसको चलाने में फील अलग सा आता है ना, पहली बात तो ये है, ये उस वाली की तरह झोले नहीं खाती तो लोगों को मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, पता है। और ये भागती है भाई, बस भाई जेड ब्लैक का कटगवा, कटगवा जेड ब्लैक। भैया बस यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकला जाए, क्योंकि यहाँ से घर है बस 50 किलोमीटर, ओनली 50 किलोमीटर्स। मात्र 50 किलोमीटर है उसके बाद हम लखनऊ के अंदर होंगे गाइस, एक टोल आने वाला है, टोल को क्रॉस करेंगे, ठीक है। सो गाइस ये है हमारा लास्ट टोल, इसको हम क्रॉस करेंगे और फिर भाई इसके बाद से लखनऊ, यहाँ से 45 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर बस 45 किलोमीटर रहता है भाई यहाँ से लखनऊ, तो बस इसको कम्प्लीट करते हैं। अब भाई मेन बात ये है ना, काफ़ी ज़्यादा राइड हो रही है, इतनी लंबी राइड हो गई है तो थोड़ा तो भाई अपने आप को संभालना ही पड़ेगा अपने आप को। बस आगे धुंध ना मिले मेरे भाई, बस
चीज़ है, अगर आप आर राइड कर रहे हो ना तो आपको मज़ा आ जाएगा भाई, कितनी भी लंबी राइड कर सकते हो। मतलब एक फुल टैंक में ये 300 से ऊपर जाती है भाई। ये तो है भाई इस गाड़ी का खासियत, मतलब सही बताओ तो 300 जाएगी 30 के एवरेज पे, और मेरी गाड़ी उससे ज़्यादा एवरेज दे रही है इस समय फ़िलहाल, 30 से ज़्यादा दे रही है। आते समय ज़्यादा एवरेज दिए गाड़ी, और जाते समय भाई मेरे को 30 का ही मिला था, पता नहीं क्या हो गया था भाई। देखते हैं भैया, वो देखो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ओवरटेक मत कर, ले रहा है वो। और भाई हमने क्रॉस कर दिया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, अब भाई भाई पीछे बैठ के जा रहा है। किसी दिन होगा भाई अपनी बाइक से होगा, हम अपनी बाइक से होंगे, ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी दिन आएगा कि इससे अपग्रेड बाइक से चलेंगे। तो बस भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो। देखो यार घाट वाट की वीडियो ना किसी टाइम जब देखो, ये तो हुआ हमारा बनारस एक नज़रिया, ठीक है, अब बनारस को जब भी जाएंगे दोस्तों के साथ जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि बनारस में मस्ती क्या कर सकते हो, अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, दोस्त के साथ जाओ भाई, दोस्तों के साथ जाओ तब मज़ा आएगा, ठीक है। मैं अपने भाई के साथ गया था, मेरे को भाई मैंने आपको बताया पूरे ब्लॉग में, एक काम था इस वजह से। चलिए पहुँचते हैं घर पर, फिर बात करते हैं आप लोगों से, है ना। हम लोग कुछ खुरदई आ चुके हैं, तो खुरदई से ज़्यादा दूर नहीं अपना घर, सो इसका मतलब हम घर पहुँच चुके हैं, ठीक है। और एक चीज़ सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, भैया गाड़ी का एवरेज तो भाई पता नहीं क्या सोच समझ के आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब पहले मैं बनारस गया था ना तो मेरी टैंक पूरा ख़त्म हो गया था भाई, मतलब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ये देखो भैया टैंक का, टैंक की अम्मा भी नहीं ख़त्म हो रही, 309 किलोमीटर हो गया गाइस, ठीक है। मैं अंदर से लेके आया हूँ गाड़ी, अंदर से सोचिए आप, और टैंक फुल कराया था मैंने, सही गए यार। और अभी भी रेंज दिखा रहा है 104 की गाइस, 104 की रेंज, और क्या चाहिए भाई, आरआर 310 से, और बताओ एकदम एवरेज मशीन है भाई, एवरेज निकाल के देती है। और इसको बदनाम करना बंद कर दो भाइयों, ठीक है। ए, तू जा रहा भाई, सॉरी 32 का एवरेज दे रही भाई, 32 पूरा एकदम मीटर के रीडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी फ्यूल डलाऊंगा 32 ही बताएगा एग्जैक्ट। फाइनली वी रीच्ड, और चलते हैं भैया, बस आप लोगों से यहीं तक रहेगा साथ, उसके बाद सीधे घर में साथ, क्योंकि हमको पता है आप लोग घर का ले लोगे ब्यौरा। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, वैसे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ एवरेज। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि आरआर आपकी एवरेज कितनी दे रही है ना भैया, ये मेरी एवरेज आरआर है, इसकी एवरेज मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये गए ट्रिप डिटेल्स, डे ट्रिप, आज दिन भर में मैं 312 किलोमीटर राइड करके आया हूँ, फ्यूल इसने लिया 9.6 लीटर, 32 का एवरेज दे रही है, देख रहे हो 32 का एवरेज गाइस, 32 का एवरेज देख लो। आज का है टॉप स्पीड 123 लेके गया था बस, इससे ज़्यादा नहीं, देखो देख रहे हो, मतलब बहुत सही एवरेज देती है भाई गाड़ी। टैंक फुल कराया था, अभी भी 101 किलोमीटर जाएगी, 312 किलोमीटर अपना घूम के आ चुके भाई, बनारस तक गए थे, बनारस से वापस, मतलब बनारस वन साइड 300 किलोमीटर है, तो कल गए थे आज वापस। बस भाई अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो में, टिल देन बाय।